हेलो एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर है आर्टिकल नंबर 1.3। सब पार्ट है उसका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है आज हमने पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी नंबर को 10 की पावर में शो करना। तो ये अभी देखें, नंबर आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये हमने पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 क्या है? मींस 10 रेज टू पावर समथिंग आ जाए तो उस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेन पॉइंट है, वो ये है, नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड पर। ये लेफ़्ट साइड पर आपका एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट किसे कहते हैं? आप ये देखते हैं काउंटिंग आपकी 0, 1, 2, 3 सो ऑन 9, आपके जितने भी नंबर हैं वो सारे इन 10 डिजिट से मिलके बनते हैं। तो जिसमें आपका जो 0 है ये आपका 0 डिजिट है, जबकि ये 1, 2, 9 इनको कहा जाता है नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो मीन्स 0 के अलावा जो डिजिट होते हैं वो आपके नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। अब हमने डिजिट डेसिमल पॉइंट को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें एग्जांपल, ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। अब मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जैसे ये एक नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये नंबर है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो ये देखें, साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कहती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपका जो पॉइंट है ये है डेसिमल पॉइंट, इसको कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से ये है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी इस पॉइंट को इधर होना चाहिए था। तो अगर मैं इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट करूं 1.347, अब ये देखें यहाँ से इसको मैंने इधर शिफ्ट किया वन के बाद। अब ये देखें मैंने कितने पॉइंट्स पीछे ले गया हूँ, 1, 2 पॉइंट्स में पीछे बैकवर्ड मूव किए हैं। तो जब मैं लेफ़्ट साइड पर मूव करता हूँ, लेफ़्ट साइड पर मूव करूँ, तो ये जितने पॉइंट्स मैं पीछे जाऊँगा वो 10^2 आ जाएगा। अब 10^2 मैं प्लस में लिखूँगा या माइनस में लिखूँगा? तो याद रखें कि जब भी हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो आपका जो ऊपर जितने पॉइंट्स हमने पीछे मूव किए होंगे उसको प्लस फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे 1, 2 पॉइंट्स पीछे गए हैं इसीलिए इधर आ जाएगा प्लस टू, इधर आ जाएगा आपका +2, इधर +2 की फॉर्म में। ये आपकी, ये जो अब जो आ गया आपके पास, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को भी करते हैं। अब ये देखें पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? 0 जो है वो 0 डिजिट है। आपका जो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। और ये देखें नॉन ज़ीरो डिजिट आपके 1, 2, 3, 2, 9 है, तो इनमें से ये देखें 2 जो इधर है मुझे उधर, ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यानी आपका ये पॉइंट इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैं उसको कैसे मूव करता हूँ? अब ये देखें मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से 2 के बाद शिफ्ट कर रहा हूँ इधर, तो 1, 2 एंड 3 पॉइंट में आगे लेके जा रहा हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा 0.2.3 × 10^2 क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट्स में आगे लेके आऊँ। अब मैंने मूव कर रहा हूँ इसको राइट साइड पर, तो जब भी मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो मैंने जो 10 की पावर लिखनी है वो नेगेटिव में लिखनी है, ये याद रखें। और 3 पॉइंट्स में आगे लेके गया हूँ इसीलिए ये माइनस में आ गया। ऐसे लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव, राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव, ये याद रखें। इसके आगे चलते हैं। अब ये देखें आपका ये जो पॉइंट है कन्वर्जन फ्रॉम
इंडिकेटिंग यूनिट। आपने यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, किन मेथड से कर सकते हैं, और ये जो आप टिप्स बताई जा रही हैं आपको, ये पूरी फिज़िक्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। ये समझ लें बेस बन रही है आपकी फ़िज़िक्स को लेके। अब इसको कैसे आपने यूनिट कन्वर्जन कैसे करनी है, यूनिट्स को लिखना कैसे है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है जो थ्रू आउट फिज़िक्स में हर चैप्टर में हर टॉपिक में आपको यूज़ होना। तो इन टिप्स को समझते जाएँ, ये 8 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्टली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोर नहीं करने अगर आप फिज़िक्स में कमांड लेना चाहते हैं। तो वो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सबसे पहले इस कन्वर्जन्स को पढ़ने से पहले ये आपको एक टेबल में दिखा देता हूँ। ये टेबल है आपका प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस बहुत ज़रूरी है, ये भी आपकी एक फाउंडेशन है। जैसे आपकी क्वान्टिटीज़ हैं, बेस क्वान्टिटी, डराइव क्वान्टिटी, इसी तरह ये भी अहम है। इसको आपने याद कैसे करना है, प्रीफिक्सेस को नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से डेसिमल में इसको सेंटर में डिवीजन की हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ करने और ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ। तो नेगेटिव 10^-1 -1 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव 10^-1 से स्टार्ट हो रही है। तो इससे याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। वो कैसे, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एक्टो, इसी तरह नीचे की तरफ जाएँ, डेका एक्टो किलो गैगा मेगा टेरा बीटा एक्सा, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इसी तरह। और सीक्वेंस याद करने हैं आपने, कि आपको अगर सीक्वेंस याद होगा वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया डेसी से स्टार्ट होना ऊपर की तरफ, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एक्टो, इसी तरह नीचे की तरफ डेका एक्टो किलो गैगा मेगा टेरा बीटा एक्सा। तो कैसे आपने याद करना है, ये देखें डेसी -1 है, जो फर्स्ट 3 हैं वो 1 के डिफरेंस से ऊपर जा रही हैं, -1, -2, -3। फर्स्ट 3 के बाद 3 का डिफरेंस आना है, जैसे -3 से -6, -9, -12, -15, -18। और नीचे की तरफ भी यही है सीक्वेंस। डिफरेंस कहाँ आता है, उधर सारी पॉजिटिव में, ये देखें 1, 2, 3, फिर बाद में 6, 9, 12, 15, 18। तो इस तरह आपके लिए याद रखना ईजी हो जाएगा। और ये प्रीफिक्सेस के आगे सिंबल दिए हुए हैं कि किस क्वांटिटी प्रीफिक्सेस का कौन सा सिंबल है, ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। कोई भी आपको आ सकता है कि पीको किसके इक्वल है, मोस्टली जो आपके यूज़ होते हैं वो पीको, नैनो, मिली, माइक्रो, सेंटी, फिर इसके बाद इधर आए तो किलो, मेगा, गीगा, ये यूज़ होते हैं। इधर से ये 3 और इधर से सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो, ये मोस्टली यूज़ होते हैं। चलें आगे चलते हैं आप। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, उसने कहा फुल नेम ऑफ द यूनिट, कि जब भी आपने सिंपल वर्ड्स में जब भी आपने फुल नेम ऑफ द यूनिट लिखना है, किसी भी यूनिट का फुल नेम लिखना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना है आपने। इवन नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, यानी वो जो यूनिट है बेशक साइंटिस्ट के नाम पे है। वैसे तो हम अपना नाम लिखते हैं जब भी, तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आसिम है मेरा नाम, तो मैं हमेशा ए कैपिटल बाद में ASIM ऐसे लिखता हूँ। लेकिन आपने जब इधर लिखना है यूनिट का फुल नेम, तो आपने कभी भी उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल नहीं रखना। जैसे मैं इधर कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, जैसे ये देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो जब आपने उसका फुल नेम लिखना है तो आपने उसको स्मॉल लेटर से ही लिखना है, NWEWTON न्यूटन, ऐसे आप लिखेंगे इसको न्यूटन। कभी भी ऐसे आपने नहीं लिखना, ये करेक्ट वे। इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल पास्कल लिखना है, प्रेशर का यूनिट पास्कल, तो जब भी आप पास्कल लिखेंगे तो आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होगा, पास्कल। इसी तरह जब आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, कूलम लिखना है कंप्लीट, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल, इधर देखें इधर भी स्मॉल, COU कूलम, तो फर्स्ट लेटर हमेशा आपका स्मॉल ही रहोगा, कैपिटल नहीं होगा। ये है पॉइंट, इससे आगे चलते हैं कि जब भी आपने यूनिट का सिंबल लिखना है,
सिंबल। यूनिट का जब भी आप सिंबल लिखेंगे तो सिंबल का उसका इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। इनिशियल लेटर कैपिटल, सिंबल, सिंबल में हमेशा कैपिटल होगा। अब ये देखें, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब ये देखें, जब फुल में मैंने लिखा तो स्मॉल में मैंने लिखा, लेकिन जब सिंबल लिखना है उसका तो इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल, न्यूटन। ये फोर्स का यूनिट है जिसका सिंबल है एन। अब ये देखें, जैसे आपने पास्कल को लिखना है, उसका अगर सिंबल लिखना है तो सिंबल कैसे लिखेंगे? इनिशियल लेटर। ये इनिशियल का मीनिंग क्या है? ये नहीं कि आप सिंबल जो भी होंगे उसको कंप्लीट लिखेंगे। जैसे पास्कल है तो पी कैपिटल ए स्मॉल, ये भी नहीं कि आपने पी ए ऐसे लिख दिया, ये गलत है, ये करेक्ट है। पास्कल का पी ए। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम है, तो कूलम अगर आपने सिंबल लिखना है तो कैपिटल एस एस सी। जस्ट क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। कि आपने जब भी प्रीफिक्सेस को लिखना है जो आपको बताई गई है ये, तो हमेशा उसको यूनिट के से पहले लिखना है, पहले लिखना है हमेशा, विदाउट एनी स्पेस, स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1 × 10⁻³ मीटर है। तो अब ये प्रीफिक्सेस हमारे लिए हेल्पफुल हैं, इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि प्रीफिक्सेस आपको याद होनी चाहिए। अब ये देखें, इस बड़ी क्वांटिटी को अगर मैं स्मॉल वे से लिखना हो तो कैसे? अब ये 10⁻³ किसके इक्वल है, ये मुझे प्रीफिक्सेस बताएंगे, टेबल बताएगा अगर मुझे आता होगा तो। 10⁻³ इक्वल टू मिली होता है, ये उसने मुझे बता दिया कि 10⁻³ किसके इक्वल है, मिली के इक्वल है। तो इसीलिए मैं फिर इसकी जगह इसको 1 मिली मीटर ऐसे, मैंने ये देखें लिखा कैसे है, ये आपका यूनिट है लेंथ का, ये क्या है आपका मिली है, ये मीटर, 1 मीटर नहीं है, ये 1 मिलीमीटर है, मीटर यूनिट है, ये एम प्रीफिक्सेस जिसको मैंने लिखा यूनिट से पहले और विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं है इन दोनों के दरमियान, इकट्ठा लिखा मैंने। तो ये है, ये आपको पॉइंट बताया गया। फोर्थ पॉइंट है आपका कि कंबिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज ऑलवेज रिटन 1 स्पेस अपार्ट। ये 1 स्पेस अपार्ट क्या है? मीन्स दो बेस यूनिट के दरमियान हमेशा आपकी स्पेस ज़रूर होगी। जैसे एक आपके पास, मैं लिखता हूँ वर्क, फॉर एग्जांपल वर्क W इक्वल टू F डॉट डी है, F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो ये देखें, जब भी मैंने, तो ये देखें कंपाउंड कम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट में हमने 1 स्पेस रखी है इधर, इसको मैंने कंबाइन नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा न्यूटन मीटर साथ, ऐसे नहीं लिखना, हमेशा स्पेस होगी। ये पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं नॉट अलाउड, उनकी इजाज़त नहीं है। कंपाउंड किसे कहते हैं, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते 1 μF। अब माइक्रो भी प्रीफिक्सेस है, ये भी माइक्रो, ये भी प्रीफिक्सेस हैं, तो ये आपने 2 प्रीफिक्सेस को यूज़ किया है यूनिट के साथ, तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं की जाती। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, जैसे आपका माइक्रो है तो वो 10⁻²⁻⁶ होता है, ये भी माइक्रो 10⁻²⁻⁶ होता है, आगे फैरेड। तो इन दोनों जब बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 × 10⁻²⁻½ लिखा जा सकता है। तो जब 10⁻²⁻½ लिखा जा सकता है, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले प्रीफिक्सेस में,
ये देखें माइनस ट्वेल्व किसकी इक्वल है, पीको के। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू टाइम्स माइक्रो माइक्रो वी यूज ओनली पीको। तो इसको फिर ऐसे लिख देंगे हम, वन पीको फैरेड, वन पीको फैरेड। क्लियर, आगे चलते हैं। ये सिक्स पॉइंट में आपको बताया गया है किस तरह आप एक साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर वे से लिख सकते हैं। अब ये देखें, प्रीफिक्सेस भी आपने यूज़ कर लिए हैं और टेन रेज्ड टू पावर भी यूज़ कर लिए हैं, तो ये एक्यूरेट साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें 5.0, ये तो क्लियर है, ये ठीक लिखा हुआ। अगर टेन रेज्ड टू पावर 4 वैसे का वैसे, अब ये देखें प्रीफिक्सेस, सेंटी भी मुझे पता है टेन रेज्ड टू पावर माइनस 2 होता है, ये टेबल आपको हेल्पफुल होगा। ये सी मुझे पता है प्रीफिक्सेस हैं और ये यूनिट से पहले आती हैं, और सेंटी किसकी इक्वल है, टेन रेज्ड टू पावर माइनस 2, और आगे मीटर। अब ये देखें अगेन, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो ये जो अब मेथड आया, ये इसको मैं कह सकता हूँ ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन मेथड है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बेस यूनिट इज रेज टू पावर मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ बेस यूनिट क्या है, ये आपको तब समझ आएगा जब एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कभी भी अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा 1 किलोमीटर स्क्वेयर, तो ये जो स्क्वेयर है ये सिर्फ यूनिट का स्क्वेयर नहीं है, बल्कि जो उसके साथ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उसका भी स्क्वेयर होता है। तो ये उसने लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट। ये मल्टीपल क्या है, इधर आपका मल्टीपल किलो है जो किसका मल्टीपल हो रहा है, बेस यूनिट मीटर का, इज रेज टू पावर। अब ये देखें ये उसकी पावर है, वो कहना चाह रहा है कि अगर बेस का स्क्वेयर है या कुछ भी है पावर है, तो वो सिर्फ यूनिट की नहीं होगी बल्कि उसकी मल्टीपल का भी होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 10 रेज टू पावर किलो होता है 10 रेज टू पावर 3, तो ये इसका भी स्क्वेयर है और मीटर उसका भी स्क्वेयर है, दोनों का स्क्वेयर होता है। तो इसको 1 × 10 रेज टू पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 6 आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में आपको क्या बता रहा है, लास्ट पॉइंट में आपको ये बता रहा है कि मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। कि आपने फॉर एग्जांपल, अब ये आपकी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं कि आपकी एक्यूरेट मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट कैसे आ सकती हैं। और जब भी आपने उसको फिर कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो कैलकुलेशन में हमेशा याद रखें कि आप कैलकुलेशन करने से पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, एसआई यूनिट में। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, आपने स्क्रू गेज से कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज आपको पता है कैलकुलेशन करता है मिलीमीटर्स में, और अगर आपने कॉलीमीटर यूज़ किया, मास ऑफ कॉलीमीटर, कैलकुलीमीटर, तो वो मास हमेशा कैलकुलेट करता है किस में, ग्राम्स में। अब ये देखें, आप कैलकुलेशन करने से पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे यूनिट में। जैसे आपको पता है स्क्रू गेज लेंथ को मेजर करता है, तो लेंथ मीटर में होती है, मिलीमीटर में नहीं होती, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर को किस में, 1 × 10⁻³ में, ऐसे यूनिट में। इसी तरह ग्राम्स को हम कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम होता है मास का यूनिट, इसको हम ऐसे यूनिट केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो केजी में, छोटे से बड़े यूनिट में आपने जाना है। आपको पता है केजी में जाना है, तो केजी जो आपका किलो है, तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना केजी में। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले ये आप काम करना नहीं भूलना, फिर आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी।
तो ये था आज का आर्टिकल नंबर 1.3 का रिमेनिंग पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन। कल इंशाल्लाह आप 1.4 आर्टिकल पढ़ेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊं तो क्या उसमें चेंजिंग कर सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।